दोस्तों, गर्मी का सीजन आखिर आ गया है और हमारे घर में जो फैंस है उससे काम नहीं चल रहा है, इसीलिए आप इस बार एक एयर कूलर खरीदने का सोच रहे हैं, है ना? अगर हाँ तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा एयर कूलर का, जो है हिंडवेयर कंपनी का और मॉडल का नाम है स्नोक्रेस्ट जेनो, जो है 45 लीटर का एक एयर कूलर। तो आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि गर्मियों में एयर कूलर्स काम आते हैं कि नहीं, आपको एयर कूलर्स लेना चाहिए कि नहीं, और जो लोग ऑलरेडी एयर कूलर्स यूज़ कर रहे हैं वो लोग कभी भी आपको नहीं बताएंगे ये सब, तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैंने इसको पिछले साल लिया था तो एक साल हो गया है और इसका वारंटी भी था 1 ईयर का और अभी भी ठीक से काम चल रहा है। इसको लेने से पहले मैंने ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्च किया, अलग अलग मॉडल्स के बारे में मैंने रिसर्च किया और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। और इसको सिलेक्ट करने का मेरा जो मेन रीज़न है वो था इसका जो कैपेसिटी है 45 लीटर का, क्योंकि आपको एयर कूलर्स 12 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 45 लीटर और उसके बाद 85 लीटर अप टू 100 लीटर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने मिडिल वाला चूज किया 45 लीटर का, और बाकी जो एयर कूलर्स थे उसमें सामने का ये वाला जो ब्लोअर एरिया है ये इतना बड़ा नहीं था, राउंड करके था, छोटा था, लेकिन इसमें बड़ा सा ब्लोअर है इसमें। और इसका जो स्विंग्स है इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ और इसको नीचे भी कर सकता हूँ, मतलब इससे हवा नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, लेकिन बाकी मॉडल्स पे एक ही डायरेक्शन पे था। तो सामने का जो ये स्विंग है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अलग अलग डायरेक्शन पे हवा को फेंक सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया। और दूसरा जो रीज़न है वो है इसका हनीकॉम जो कूलिंग मीडिया है वो इस साइड में भी है, पीछे पे भी है और इस साइड में भी है, मतलब तीनों साइड से ये कूलिंग करता है, इसलिए मैंने लिया। जो बाकी जो एयर कूलर्स थे उनमें जो हनीकॉम कूलिंग मीडिया है वो सिर्फ पीछे था। इस हनीकॉम कूलिंग मीडिया पे क्या होता है, ठंडा पानी गिरता है और जो हवा है ऐसे इसके अंदर जाता है और सामने से निकलता है, और इस मॉडल पे जो हवा है, गर्म हवा है, पीछे से भी अंदर जाएगा, साइड से भी जाएगा, मतलब तीनों साइड से गर्म हवा अंदर जाएगा और ठंडा होके सामने से निकलेगा। यही रीज़न था मैंने इसको लिया था। तो उसके बाद मैंने इसको 1 ईयर तक यूज़ किया और आज मैं इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो मॉडल है हिंडवेयर स्नोक्रेस्ट जेनो ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा हिंडवेयर स्नोक्रेस्ट जेनो मॉडल, जिसका हाइट देखिए इतना तक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसके नीचे व्हील्स भी है, इसको आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं ऐसे, देखिए। और इसमें सामने का जो ये स्विंग्स है आप बंद करके रख सकते हैं और खोल भी सकते हैं। उसके बाद तीनों साइड को मैंने आपको दिखाई दिया है, देखिए ये हो गया पीछे का हिस्सा, यहाँ से पानी डालना पड़ता है, नीचे वाला वाटर टैंक है। तो चलिए अभी इसको पास से दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है हिंडवेयर, और यहाँ पे मॉडल का नाम भी लिखा हुआ है। ऊपर में आपको दो नॉब मिलेगा, पहला वाला है स्पीड के लिए, इससे फैन का जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होता है। दूसरा वाला जो ये वाला नॉब है, इससे जो वाटर पंप है और जो स्विंग मैकेनिज्म है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप सिर्फ पंप को भी चला सकते हैं, नहीं तो पंप के साथ स्विंग को भी चला सकते हैं, नहीं तो सिर्फ स्विंग को चला सकते हैं। तो जो स्विंग है वो अंदर पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो काला काला जो है, जो फ्लैप्स है वो दाएं बाएं होगा, देखिए देख सकते हैं आप, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो हवा है वो लेफ्ट राइट जाता है। तो एकदम नीचे देखते हैं, नीचे ये वाला हो गया इसका वाटर टैंक जो है 45 लीटर का, यहाँ पे पानी का लेवल आप देख सकते हैं कितना है, और एकदम नीचे व्हील्स है जिससे इसको आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसका पीछे का हिस्सा, ये हो गया पीछे का हिस्सा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है यहाँ से पानी डालना पड़ता है। तो ये जो हनीकॉम जो मैस है इसको खोल सकते हैं, चलिए इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ मैं अंदर पे क्या होता है। तो देखिए ये निकल चुका है, ये वाला हो गया हनीकॉम मैस या कूलिंग पैड, इसी से ठंडा होता है एयर कूलर। तो इसके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा, उससे पहले अंदर देख लेते हैं। तो ये वाला हो गया इसका अंदर का हिस्सा, तो अंदर पे ये वाला हो गया मोटर, उसके बाद ये वाला है फैन, ये देखिए, और दोनों साइड पे ये हो गया कूलिंग पैड, यहाँ पे भी कूलिंग पैड। उसके बाद ये वाला पाइप देख रहे हैं, ये वाला जो पाइप है वो नीचे जाता है, नीचे बहुत गंदगी फैला हुआ है। तो ये वाला जो है ये है पंप है, एक्वेरियम पे जो पंप होता है इस तरह का ही ये पंप है, ये वाला सबमर्जेबल वाटर पंप है। तो ये दुबार रहता है, जो पानी है वो पानी का लेवल इतना तक आ जाता है, ये वाला पूरा बड़ा बकेट है, टैंक है, इसमें पानी डालना पड़ता है। तो पानी ये पंप इस पाइप से ऐसे ऊपर लेके जाता है और जो कूलिंग पैड है वहाँ पे गिराता है। तो यहाँ पे पानी गिरेगा, उसके बाद इस साइड में भी गिरेगा, और पीछे का जो है इसमें भी पानी गिरेगा। तो ये जो हनीकॉम मैस है इसको भी निकाला जा सकता है, चलिए निकाल देते हैं।
तो निकल गया ये कूलिंग पैड। तो एयर कूलर्स के जो कंपनी होते हैं वो दावा करते हैं कि ये कूलिंग पैड है, इसी के वजह से हवा ठंडा होता है। लेकिन मुझे खरीदने के बाद पता चला ये कूलिंग पैड कैसे हो सकता है, ये खुद ही गर्म चीज़ है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कोई ऊंट से बना हुआ है, ऐसा मटेरियल से बना हुआ है जो ठंडा नहीं है। तो इसीलिए इसमें चाहे ठंडा पानी गिरे या ना गिरे हवा को इतना ठंडा नहीं करता है, क्योंकि इसमें जब पानी गिरेगा ये ठंडा होता ही नहीं है, थोड़ा सा होगा इतना नहीं होता है। तो मेरा जो फीडबैक है कंपनीज के लिए वो ये है कि उनको इसके जगह पे मेटल का यूज़ करना चाहिए था, स्टील का नहीं तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो जल्दी से ठंडा होता है पानी गिरने से, उस टाइप का मटेरियल यूज़ करना चाहिए था तो थोड़ा सा काम बनता। लेकिन ये जो कूलिंग पैड है ये सिर्फ बोलने के लिए कूलिंग पैड है, ये ठंडा नहीं करता है। इसमें पानी गिरेगा थोड़ा सा ठंडा होगा लेकिन इतना नहीं होगा। तो चलिए इसको लगा देते हैं और आपको दिखा ही देता हूँ मैं, और उसके बाद एयर कूलर में पानी डालेंगे और आपको दिखाऊंगा कि एयर कूलर ठंडा करता है कि नहीं हवा को। तो अभी यहाँ पे पानी डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, तो ये हो गया पानी। तो जो पंप है यहाँ पे डूबा हुआ है, तो अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, पहले घुमा लेता हूँ। तो ये पहला वाला फैन का है, अभी इसको ऑन करेंगे। तो देखिए फैन चालू हो गया है, एक नंबर पे कम होता है और तीन नंबर पे ज़्यादा होता है। तो फिलहाल मैंने एक नंबर पे रखा है, उसके बाद अभी पंप को ऑन करेंगे। तो मैंने अभी पंप को ऑन किया, तो अभी क्या हो रहा है, नीचे से पानी जाके हनीकॉम मैस पे गिर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए पानी नीचे से जा रहा है पाइप से होते हुए और ऊपर से गिर रहा है, जो कि पीछे मैंने एक मैस निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं पानी ऐसे गिर रहा है। तो बाकी जो मैस है वो थोड़ा थोड़ा भीग रहा है, और ये वाला भी भीग रहा है, देखिए पानी जा रहा है इसमें। तो चलिए अभी पीछे के मैस को भी बंद कर देते हैं। तो फिलहाल ये ड्राई है, अभी ये पूरा गीला हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये गीला हो चुका है, सब गीला गीला है, देखिए अभी भी पानी गिर रहा है, साइड में भी गीला हो गया है, और हाथ से छूने से पता चलता है थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भीगा हुआ कपड़ा है। तो चलिए अभी बात करते हैं क्या ये कूलिंग कर रहा है। तो देखिए मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये ठंडक पहुँचाता है कि नहीं। तो पहले मैं फ़ैन को ऑन करूँगा, जो हवा है अभी मेरे तरफ आ रहा है और फैन का स्पीड एकदम कम है, तो अभी दो नंबर पे है और अभी तीन नंबर पे है, तो अभी ये हाईएस्ट स्पीड पे है। तो यही इसका ड्रॉबैक है, मतलब इसका जो फैन है बहुत आवाज़ करता है। लोग जब एयर कूलर को देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि एयर कूलर्स एसी की तरह साइलेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, इसका फैन का आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी बात करते हैं इसका जो ठंडक जो हवा है वो कैसा है। तो इसका जो हवा है वो फैन के मुकाबले अच्छा है, फैन से आपको ठंडा हवा मिलेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एयर कूलर से आपको एसी की तरह ठंडा हवा मिलेगा तो ऐसा नहीं है, आपको इतना ठंडा हवा नहीं मिलेगा। तो एयर कूलर का खासियत यही है कि ये टेबल फैन नहीं तो सीलिंग फैन से ठंडा हवा देता है, लेकिन अगर आपको इससे भी ठंडा चाहिए तो पानी पे आपको बर्फ मिलाना पड़ेगा। जितना आप बर्फ डाल देंगे उतना ठंडा हवा आपको मिलेगा, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि बार बार आपको बर्फ बनाना पड़ेगा, उसके बाद डालना पड़ेगा, और ऐसा बार बार करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो जैसे कि एयर कूलर कंपनीज जो दावा करते हैं ये एक रूम को ठंडा करता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ठंडक चाहिए तो एयर कूलर के सामने आपको बैठना पड़ेगा और उसका जो नॉइज़ है उसको झेलना पड़ेगा, तभी आपको ठंडक मिलेगा। लेकिन लोग इसको इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में पोर्टेबल एसी जैसा है, इसीलिए लोग इसको खरीदते हैं। लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि ये बहुत नॉइज़ करता है और इसके सामने बैठने से ही ठंडक मिलता है, और उसके बाद लोग रियलाइज़ करते हैं कि उनका पैसा वेस्ट हो गया। और इसीलिए जो लोग एयर कूलर्स खरीदते हैं आप देखेंगे कि उनका एयर कूलर्स बाद में किसी कोने पे पड़ा रहता है, और अगर आप पूछेंगे कि इसको आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग आपको सच्चाई कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने बोल दिया। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो अभी आपको पता चल गया है कि एयर कूलर्स आपको लेना है कि नहीं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही लगवा लीजिए। तो बाहर से जैसा लुक है अंदर पे एकदम सिंपल है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, एक फैन है, एक पंप है और ये कूलिंग पैड जो है वो है।
तो अभी आपको सब कुछ पता चल गया होगा, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग एयर कूलर्स खरीदते हैं बाद में उनका जो एयर कूलर है कहीं कोने पे पड़ा रहता है, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। और यही रीज़न है क्योंकि जो एयर कूलर्स है वो बहुत ही ज़्यादा साउंड करता है और इसका जो लुक है उससे ऐसा लगता है कि ये ऐसी जैसा ठंडा हवा फेंकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे जो हवा है आपको फैन से थोड़ा सा ठंडा मिलेगा लेकिन पूरा रूम ठंडा नहीं होगा। और इसका जो फैन है बहुत नॉइज़ करता है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप एयर कूलर्स मत खरीदिए। उससे अच्छा आप दो तीन अच्छे वाले टेबल फैन ले लीजिए। इसका जो प्राइस है 6100, उस प्राइस में आपको तीन अच्छे वाले टेबल फैंस मिल जाएंगे और वही इससे अच्छा आपको ठंडक पहुँचाएगा। अगर आपको एयर कूलर लेना ही है तो इसको खरीदने का बेस्ट वाली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। সব ভেন্ডিও পারে, আমিও পারে।